शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसी अनेक योजनाएं मजदूरों को रोजगार देने चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे महानगरों में मजदूरों का पलायन का दौर जारी रहता है। वहीं वहां उनके शोषण के हालात भी सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सामने आया है, जहाँ 41 मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा गया था, जिनमें से 4 मजदूर और 2 बच्चे दमोह जिले के थे, जबकि बाकी छतरपुर जिले के। वहां के प्रशासन ने मजदूरों को बंधन मुक्त कराकर दमोह वापस भेजा है। इन मजदूरों का क्या कहना है, सुनते हैं। हमारे साथ तो होगा। हाँ, कहा हुआ था, पहले की घटना कहा हुई थी? पहले की हुई थी 37 सेक्टर में, अब की हुई 22 सेक्टर में। अच्छा, उसी एरिया में? हाँ, एरिया दूर दूर है, लेकिन वही नवेडा में कहा है। जब आपके साथ में एक बार घटना हो गई थी, तो आप वहाँ क्यों गए? अब साहब घर में कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए ना तो कोई मजदूरी है, ना बड़ी बत्ता बनाते, उस आम लोगों को गुजारा नहीं चला। बाद बच्चे कैसे पढ़ाएंगे कैसे? अच्छा, मजदूरी वगैरह नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलता है सर। सरपंच है तो जो अपने अपने आदमों को दे देते हैं मजदूरी, हम लोगों को नहीं देते। हम लोग यहाँ से गाँव से गए थे सरायकाले खां, सरायकाले खां से हम लोग को ले गया। क्या नाम उसका? नाम दीदी अपने महेश यादव। फिर हम लोग कंपनी मिशन कंपनी में गए, तो हम लोगों ने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीने के मोहन 2.5 महीने के बाद काम करते रहे। पहली बार 500 रुपया खर्चा दिया उसने, फिर ऐसे 100-100 रुपये कर हमारा ठेकेदार देता रहा। फिर वहाँ पे काम करते करते हम लोग को गाली गुला देते रहे। फिर एक जींस को लेडीज को नहीं बाहर निकलने देते थे मार्केट के लिए, सिर्फ एक आदमी जाता था एक परिवार। इन गरीब मजदूरों को किन हालात में अपना गांव छोड़कर पलायन करके महानगर जाना पड़ा, वहाँ किस तरह का इनका शोषण हुआ, यह दास्तान आपने इनके मुंह से सुनी। इनका कहना इनको गांव में मजदूरी नहीं मिलती थी, जबकि गांव के सचिवों का कहना है कि मजदूरी तो मिलती थी, इनके लिए आवास भी दिया गया था, आवास योजना का लाभ भी दिया गया था, लेकिन इनको पहले एक बार इस तरीके से बंधक बनाने के बाद जो लाभ मिला था, उस लालच में आज फिर उन्होंने वही कहानी दोहराई है। ये मोहन घसी का ये फंस गए थे, शासन ने इनको 20,000 रुपये का लाभ दिया था, ग्राम पंचायत ने इनको आवास दिया है और खाद्यान्न पर्ची भी है इनकी, ग्राम पंचायत में काम भी देते हैं और फिर वही है। गौतम बुद्ध नगर से बंधक श्रमिक के रूप में काम करते थे, उन्हें छोड़ाकर वहां के प्रशासन, राजस्व विभाग, श्रम विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चला के वहां के राजस्व प्रशासन ने दमोह के छतरपुर के लिए भेजा है। 41 लोग, महिला, पुरुष और बच्चे कुल मिला के 41 थे, जिसमें दमोह जिले से 4 श्रमिक थे, 2 बच्चे थे। शासन की योजनाएं हैं, लेकिन कुछ श्रमिक मतलब बाहर जाते ही है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो मजदूरी है मिनिमम वेजेज है और वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। इनको ग्रेटर नोएडा के पास गौतम बुद्ध नगर से बंधुआ बना के रखा गया था। इनसे पूछने पर पता चला है कि इनको खाना भी नहीं देते थे और कभी कभी 100-500 रुपये खर्चे के नाम पे देते थे, और फिर इन्होंने ज़्यादा किया तो इनको 500 रुपये दिया गया और मजदूरी कराते थे, और जब इन्होंने पैसे की मांग की तो पैसे के लिए टाला मटोली करता गया। ये जानकारी वहाँ के प्रशासन को लगी, तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वहाँ की सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस विभाग ने, श्रम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पर मजदूर को वहाँ से छुड़वा के भिजवाया, जिसमें से 6 मजदूर दमोह के थे जो यहाँ पे सकुशल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर इनको सुरक्षित घर पहुँचाएंगे और इनका पहले मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल कराने के उपरांत इन्हें इनके घर पहुँचा दिया जाएगा।